तो दोस्तों खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखते हुए आज मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेकर आए हैं और ये न्यूज़ है रोहन मेहरा के फैंस के लिए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्टर बहुत जल्द आपको कलर्स टीवी के पॉपुलर शो में नजर आएंगे। आजकल पुराने नए हर तरह के शो सभी चैनलों के रडार पर हैं। स्टार प्लस के कई पॉपुलर शोज के बंद होने की खबर हम आप तक पहुंचा ही चुके हैं। ऐसे कलर्स के सबसे लंबे समय से चल रहे शो ससुराल सिमर का पर भी काफी दिनों से खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। अब इसी खौफ से बचने के लिए शो में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ससुराल सिमर का में अब कहानी जादू टोना, सास बहू के झगड़े से आगे जाते हुए यंग जनरेशन की लव ट्रायंगल स्टोरी पर फोकस होने वाली है। इसी बड़े बदलाव के चलते बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रहे रोहन मेहरा की ससुराल सिमर का में यंग हीरो के तौर पर एंट्री होने वाली है। आपको बता दें, बिग बॉस हाउस में जाने से पहले रोहन मेहरा स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक अक्षरा के बड़े बेटे नक्श का किरदार निभा रहे थे और इस किरदार ने रोहन के दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई थी। अब रोहन नए अवतार में ससुराल सिमर का में दिखाई देंगे। इस शो में रोहन समीर की भूमिका निभाते हुए आएंगे जो कि एक NRI होंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सिमर का किरदार निभा रही दीपिका कक्कड़ ने शो को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद नई सिमर के तौर पर कृति केलकर की एंट्री हुई थी। लेकिन शो की TRP गिरती देखकर शो के मेकर्स ने स्टोरी में बदलाव लाने का फैसला किया है। पहले अपने फेवरेट स्टार से जुड़ी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से अमित की रिपोर्ट।